हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे दितिमन। राजस्थान आवासन मंडल सीधी भर्ती का एडवर्टीजमेंट आया है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। सैलरी यहां पर आप लोगों को लेवल 10 पे स्केल के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी प्रोबेशनरी पीरियड जब होगा, जब आपको 33,000 तक सैलरी यहां पर मिलेगी, उसके बाद जो है यहां पर DA HRA और अन्य भत्ते जो है अगर हम मिला दें तो अप्रोक्स जो सैलरी है वो 47,000 से 51,000 तक यहाँ पर आप लोगों को पर मंथ मिलने वाली है। लास्ट डेट सभी पोस्ट के लिए 18 अगस्त रहने वाली है और 18 से 40 वर्ष तक की आयु रहेगी सभी पोस्ट में। बाकी क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग पोस्ट है तो नोटिफिकेशन में हम चेक करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अर्बन पोर्टल, जहां आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां आपको न्यू रिक्रूटमेंट 2023 आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है राजस्थान आवासन मंडल सीधी भर्ती, जितनी भी पोस्ट है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई नाउ पर जाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, जितनी भी पोस्ट है तो यहाँ व्यू डिटेल पर आप लोगों को क्लिक करना है अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर की है, सहायक प्रोग्रामर की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, उसके बाद परियोजना अभियंता, कनिष्ठ सिविल डिग्री की है, सिविल डिप्लोमा की है, ठीक है, विद्युत डिग्री की है, वरिष्ठ प्रारूपकार की है, कनिष्ठ प्रारूपकार, विधि सहायक या कनिष्ठ विधि अधिकारी की है, कनिष्ठ लेखाकार की और कनिष्ठ सहायक की है। ठीक है, तो एक एक करके जो है वो हम यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट में हम सारी चीजें देख लेंगे, बाकी हम क्वालिफिकेशन देखेंगे इनमें जो है वो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कनिष्ठ लेखाकार की जो सीधी भर्ती है, जिसमें कितने पद हैं, 50 पद हैं। ठीक है, और ये पद जो है वह भी आरक्षण वर्गवार जो है वो बटे हुए हैं। जैसे सामान्य की 25 सीटें हैं, अनुसूचित जाति SC की 6 हैं, ST की 5 हैं, पिछड़ा वर्ग की 8 हैं, अति पिछड़ा वर्ग की 2 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 4 हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन सबसे जो है जरूरी है चेक करना, जितनी भी पोस्ट है तो यहाँ पर जो है चाहिए कनिष्ठ लेखाकार में मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट कोलकाता से किया हो, या फिर मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। और भी ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन है जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, या फिर या हाई लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो DOEIC में आप लोगों ने किया हो, या कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा डिग्री अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, IT से, तो भी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने रीड कर लिया है और आप जो है जरूरी चीजें जो है वो आप देख लें। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ठीक, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर आपने RSCIT भी अगर कर रखा है जो कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट आपने ले रखा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। साथ में हिंदी देवनागरी नागरी लिपि में आपको ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो राजस्थान के निवासी हैं तो ये सब तो आपको आएगा ही। ठीक है, तो चलिए अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे उम्र। तो आयु सीमा जो है यहाँ पर 18 है, 18 साल जो है वो आपने 1/1/2024 को आपने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट है यहाँ पर, राजस्थान राज्य के जो SC ST कैटेगरी EWS इनको 5 साल की छूट है, सामान्य वर्ग की जो महिला चाहे राजस्थान राज्य की हो चाहे अन्य राज्य की हो, ठीक है, यहाँ पर जो है वो भारत की किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, 5 साल की छूट है सामान्य वर्ग की महिला को चाहे किसी भी राज्य की हो, 10 वर्ष की छूट यहाँ राजस्थान राज्य की उन महिलाओं के यहाँ जो SC ST और EWS कैटेगरी या फिर सहरिया वर्ग की महिला हैं। ठीक है, इसके अलावा विधवा और तलाकशुदा जो हैं इनके लिए कोई भी आयु सीमा जो है नहीं है, कितने भी अगर इनकी एज है तो ये एप्लीकेशन कर सकती हैं। आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो समय है वो इन्होंने रखा है 19/7/2023। 19 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे बट क्या था कि लिंक जो है वो ओपन नहीं हो रहा था, अब जो है वो बिल्कुल ओपन हो रहा है, आप आराम से एप्लीकेशन कर सकते हो। 19 जुलाई से स्टार्ट है और 18 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वेबसाइट साइट पर भरे जाएंगे और इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाकी जितनी भी पोस्ट है वो सब हम देखने वाले हैं क्योंकि एज जो है वो सभी में समान रहेगी, एप्लीकेशन करने की डेट सभी में समान रहेगी, सिर्फ क्वालिफिकेशन चेंज है और कितने पद हैं ये चेंज है। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है यहाँ पर जो है सामान्य वर्ग यहाँ पर जो है वो आपका एग्जाम होगा जिसका सिलेबस भी जो है वो डाला जा चुका है। सामान्य वर्ग और क्रिमिलेयर श्रेणी की जो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो यहाँ पर ₹975 है, राजस्थान राज्य के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो फीस है 875 है,
है, सैलरी भी आपको लोगों को काफी अच्छी मिलने वाली है यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और जितने भी योग्य समस्त विशेष योग्यजन हैं राजस्थान के जो है वो SC ST आवेदक, इनकी जो है वो 775 जो है यहाँ पर फीस रहने वाली है। यहाँ पर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक प्रोग्रामर के जो है वो 6 पद हैं। वेतनमान जो है वो आप लोगों को यहाँ पर भी पे मैट्रिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगा। पात्रता शैक्षणिक योग्यता यहाँ ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, और या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रखा हो। और यहाँ पर ये तो 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में कर रखा है या आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। साथ में यहाँ पर 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मांगा गया है जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आपने हासिल किया हो, ठीक है। बाकी देवनागरी लिपि में जो है वो हिंदी का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान जो आपको होना चाहिए। इसी के नीचे जो है वो एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो सभी पोस्ट में नीचे दी गई है। ये भी 17 पेजेस की PDF फाइल है और सिलेबस कंप्लीट की क्या सिलेबस आएगा तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पर है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसको जो है वो आप अच्छे से जो है इंस्ट्रक्शन और कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, सूचना सहायक की, जिसमें 18 पद हैं। यहाँ पर जो है क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएट और हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, यानी कंप्यूटर का अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। साथ में यहाँ पर लिखा है कि स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आर ऑन कंप्यूटर हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। 8000 की जो है वो आपकी डिप्रेशन पर घंटे के हिसाब से जो स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो ये जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर सूचना सहायक की वैकेंसी है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ अगर आपने सिविल डिग्री, परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल डिग्री, इसके लिए जो है वो 40 पद हैं। सिविल डिप्लोमा जो है उसके कितने पद हैं, 60 पद हैं, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर वरिष्ठ प्रारूपकार के जो है वो 4 पद हैं। इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर इंटरमीडिएट इन आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, ठीक है, 3 साल का कोर्स, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर किया है और 1 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है जहाँ पर 12th मांगा गया है, और या फिर आपने ओ या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। कंप्यूटर कोर्स में अगर आपने कोई डिप्लोमा डिग्री लिया है, RSCIT किया है, तो भी जूनियर असिस्टेंट के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट अलग था और जूनियर असिस्टेंट अलग है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ 50 पद हैं। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप लोगों को व्यू डिटेल यहाँ पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप सारी जानकारी यहाँ से लेंगे। और ये जितने भी 10 10 जो पद हैं इसमें अलग अलग जो है वो वैकेंसी है, ठीक है। तो अब जो है वो आप अच्छे तरीके से जो है पहले रीड करेंगे नोटिफिकेशन को अच्छे से, जिसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, और उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन करनी है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ इसका जो होम पेज है, मेन जो साइट है urban.rajasthan.government.in, इस पर आप लोगों को आना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, न्यू रिक्रूटमेंट में, इसमें आप जाएंगे, यहाँ पर सीधी भर्ती अप्लाई नाउ पर आप लोगों को क्लिक करना है, और उसके बाद ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले आपको पंजीकरण करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लॉग इन करेंगे और उसके बाद जो है आगे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भरेंगे। थैंक यू।